हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है छेना मुर्गी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं छेना मुर्गी बनाना। छेना मुर्गी बनाने के लिए हमने ये पनीर लिया है, ये 300 ग्राम के आसपास पनीर है और ये 300 ही ग्राम हमने चीनी ली है, ये इलायची पाउडर लिया है और एक कप हमने पानी लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। ये चीनी है, अब मैं ये चीनी में एक कप पानी डाल दूंगी और इसे मैं एक तार की चाशनी बनने दूंगी। तब पनीर को कट कर लेती हूँ। पनीर के हमें एक जैसे ही पीसेस कट करने हैं। इस प्रकार से हमें ये पनीर के पीसेस कट करने हैं चौरस टुकड़ों में। हमारे पनीर सारे पीसेस में कटकर तैयार हो चुके हैं। इसे मैं एक साइड में रख दूंगी और जो ये हमारी चाशनी बन रही है इसमें मैं चुटकी भर इलायची पाउडर डाल दूंगी। और ये हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा हाथ पे लूंगी और देखो कितने अच्छे से हमारी ये तार बनने लगी है। अब मैं ये पनीर के पीसेस इस चाशनी के अंदर डाल दूंगी। और अब हम ये चाशनी को सूखने देंगे। ये हमारी चाशनी सूखने लगी है और इसे हमें हिलाते ही रहना है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने दूंगी और इसी प्रकार से हिलाते रहूंगी मैं इसे। और ये हमारी छेना मुर्गी ठंडी होने लगी है, देखो। और इस पे पूरे की परत आ चुकी है। इसे हमें इसी प्रकार से ही हिलाते रहेंगे हम इसे। हम इसे एक दो मिनट के लिए और हिलाएंगे। ये हमारी छेना बनकर तैयार हो चुकी है और ये देखो जो ज़्यादा चाशनी थी उसकी भूरा बन चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारी छेना मुर्गी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।